मेरा आपसे सवाल है विचित्र जी, मंदीप कौर जी, ये एक सड़क है और इस सड़क पे आप ट्रैक्टर चला रहे हो और आप अपने पति के ट्रैक्टर पे बैठे हो, ठीक है, और हाईवे है पूरी सड़क, कोई ब्रेकर नहीं कुछ नहीं, तो ट्रैक्टर की स्पीड कितनी होगी जब आप चलाओगे हाईवे पे? कोई ब्रेकर नहीं, बिल्कुल साफ रोड, मतलब यही 40-45 नॉर्मल यही होती है, यही होती है 50-60 पूरा दौड़ा दोगे उसको, भगा दोगे उसको, वही हाईवे, वही ट्रैक्टर, वही ड्राइवर, और सर्दी का जनवरी का महीना है और बिल्कुल रोड खाली है, लेकिन धुंध पड़ रही है और यहाँ से यहाँ तक का दिखाई नहीं दे रहा, स्पीड कितनी है? वही 10 पे रहेगी सर। 50 से 10 पे आएगी, कम होगी? यस। क्यों होगी? क्योंकि दिखाई नहीं दिया, क्योंकि दिखाई नहीं दिया। हाँ, सेम जिंदगी है, अगर आपको सिर्फ थोड़ी सी जिंदगी दिखाई दे रही है ना, तो माँ कसम थोड़ी ही सुधरेगी, थोड़ी ही सुधरेगी, जहां तक आपको दिखाई देगा ना वहीं तक आपके पास, आप वहीं तक दौड़ सकते हो, और जहां दिखना बंद वहां पर दौड़ बंद। जिंदगी में माइंड सेट करो कि यार जहां तक नजर जाती है ना वो सारी जिंदगी मेरी है, ठीक है। सूर्यवंशम फिल्म देखिए, सूर्यवंशम में क्या बोलता है अमिताभ बच्चन, बेटा जहां तक नजर जा रही है वो सारी जमीन तेरी मेरी, ऐसे तो बोलता है। तो ऐसे जिंदगी को भी दूर तक देखो, 50 साल तक के बाद के देखो, मैं अपनी जिंदगी को कहां तक देख रहा हूँ, मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे की जिंदगी कैसी होगी, मैं वो चीज सोच के इसमें काम कर रहा हूँ, मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे के बच्चे की जिंदगी कैसी होगी, मैं 7 पीढ़ी तक जाना चाहूंगा नहीं जाना चाहूंगा, मैं वो सोच लेकर के इस बिजनेस में कर रहा हूँ। अगर मैं भी थोड़ी थोड़ी के चक्कर में लगा रहता कि थोड़ी सी जिंदगी मेरी सही हो जाए, तो मेरी तो बहुत सही होगी यार, 20,000 की घड़ी बांध रहा हूँ, 5-5,000 के जूते डाल रहा हूँ, 15,000 के कोट पैंट डाल रहा हूँ, 12 लाख की गाड़ी घड़ी है, पर्स में जो है 10-20 हजार रुपए पड़े, अकाउंट में 1-2 लाख रुपए पड़े, इसका मतलब जिंदगी तो मेरी बहुत अच्छी होगी, तो मुझे तो सो जाना चाहिए, मैं यहाँ क्या बम बना रहा हूँ आपके साथ बैठ कर, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ, मुझे तो काम ही नहीं करना चाहिए, थोड़ी सी के चलिए काम नहीं करना, राजा जैसी जिंदगी, दीवाना गांव में साला अगले 2 साल में मुच्छों में मैंने मरोड़ी मार दी, थार जीप अपने को चाहिए, ठीक है, थार निकालनी है टोपाज में, ठीक है, आपको थार लेनी और किसी को लेनी होना लेनी, ठीक है, जिंदगी सेट करो यार। मेरा आपसे सवाल है सर, हम लोगों ने जिंदगी समझी नहीं सर, ये 200 का नोट है, ये नोट किसने बनाया, ये नोट बनाया किसने सर? ये मतलब गवर्नमेंट ने या इंसान ने बनाया? यस सर। किसने बनाया? इंसान ने। इंसान ने इस नोट को बनाया और साले इस नोट ने आज इंसान को गुलाम बना दिया। यस साला नचा रहा है ये, बताओ नहीं नचा रहा तो? इसके हिसाब से जिंदगी जीनी पड़ रही है हमें? यस। इस कागज के टुकड़े के हिसाब से जिंदगी जीनी पड़ रही है भाई, इसको बनाया हमने, मेहनत हमने की और साला यही हम पे हावी हो गया भाई साहब, नहीं, जिसको इंसान बना सकता है उसको गिरा भी सकता है। कागज का टुकड़ा बनाने वाले आप और मैं हैं, तो सर अगर बनाने वाले आप और मैं हैं तो इसकी औकात अपन डाउन भी कर सकते हैं, मेहनत करेंगे दबा करके, जी तोड़ मेहनत करेंगे, डबल मेहनत करेंगे, इसको एहसास करवाएंगे, और ये इतने इतने नोट कमा लेने हैं, इतने नोट कमा लेने कि 2-4 फाड़ भी दे तो भी टेंशन नहीं होनी चाहिए। yes. इसके गुलाम मत बनो, किसी भी चीज के गुलाम मत बनो, जिंदगी में माइंड सेट करो, मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ जी। अब मेरा आपसे सवाल, ये मैंने ऐसे कर दिया भाई साहब, ऐसे ऐसे देखो पूरी मैंने इसकी रेल बना दी, बना दी। yes. दुकान पे ये 200 का नोट है, मैं इसको भेजूंगा तो कितने रुपए में चलेगा? 200 में चलेगा। मैं इसको पूरा और मिट्टी मिट्टी में धास दूं तो भी ऐसे ऐसे करके कितने में चलेगा? 200। जब एक कागज का नोट मरोड़ने से, तोड़ने से, मिट्टी में मिलाने से जितनी उसकी औकात है वो उतने में ही चलता है, तो हम इंसान थोड़ी सी प्रॉब्लम आने के बाद, घर में थोड़ी सी टेंशन आने के बाद हम अपनी वैल्यू भूल जाते हैं, हम काम करना छोड़ देते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, यार ये नोट तो परेशान नहीं हुआ, ये तो उतने में चल रहा है, आया ना। yes, तो आप भी तो उतना ही चलना चाहिए जितनी आपका पोटेंशियल है। yes.
बातें ये आप सबके लिए भी ध्यान रखना। चीज समझ में आ रही है? जीवन में एक चीज आराम से समझ लो आप लोग सारे के सारे, कि ये जो जिंदगी है, इस जिंदगी के बादशाह हम, इस जिंदगी के बादशाह हम। जो डर गया वो मर गया, और जो मैं कहते हैं ना मन के हारे हार और मन के जीते जी, अगर अंदर से आपने आज माइंड सेट कर लिया ना यार, मेरे को एक साल के अंदर थार लेकर के आनी है, मेरे को पूरे गांव को दिखाना है कि भाई साहब गाड़ी क्या चीज होती है, वैल्यू क्या चीज होती है। अरे एक गांव में ना कर देगा, दूसरे को जोड़ देंगे, तीसरे को जोड़ देंगे, चौथे को जोड़ देंगे। पहले अपना माइंड तो सेट करो कि आपको इस बिजनेस में करना क्या है, ठीक है, आप कहां तक जाना चाहते हो। आपको वाई क्लियर नहीं होगा तो आप कैसे इस बिजनेस में आगे बढ़ जाओगे। अगर सर आपको मोटरसाइकिल पे मजा आ गया तो आप गाड़ी क्यों लेके आओगे वाई? अगर आपको 500 की सूट में मजा आ गया तो आप 10,000 का लहंगा क्यों डालोगे? नफरत करो, नफरत करो। जब तक आपको पुरानी चीजों से नफरत नहीं होगी, एक पत्नी और बच्चों को छोड़ के सबसे नफरत हो, इससे नफरत मत करना। पता चले कि मैं तो लोग आए भी दूसरी ना मैडम बोले भाई से मेरा घर उधर आ गया, ऐसे नहीं करना। हर निर्जीव चीज से नफरत करो, इन कपड़ों से नफरत करो। 6 महीने के बाद मेरे को और दूसरे कपड़े डालने। आज जिस घर में रहता हूँ 5 साल के बाद उस घर में नहीं रहूंगा, 5 साल के बाद मेरे को बड़ा घर चाहिए। आज जिस मोटरसाइकिल को चला रहा हूँ 1 साल के बाद मोटरसाइकिल नहीं, मेरे को थार चाहिए थार। जब सर ऐसे माइंडसेट होता है ना, तब जाकर के सर चीज अपने पास आती है, तब जाकर के हकीकत जो है, सपना जो है हकीकत लगता है। ऐसा हो जाएगा सर, पुरानी चीजों से नफरत कर लो। थार आपने कल सबसे पहले क्या करना है, मुझे फोटो चाहिए आपका, कैथल में महिंद्रा के शोरूम में जाना है, थार गाड़ी में बैठना है, पूरा उसको फील लेना है, देखो उसको घुमा फिरा करके, उसको बोलो भाई निकाल टेस्ट ड्राइव ले लेंगे, ठीक है, टेस्ट ड्राइव लो उसको। वो बोले कब लेनी है? 15 दिन में लेनी है, तुम निकालो और मेरे फ़ोन पे बात करो, मेरे बड़े भाई साहब ये बताएंगे कैसे लेनी, मैं देखने आया। पहले किसी भी चीज़ को फील लो, टच करो उसको, ठीक है। अरे जब तक टच नहीं होगा तो उसके आने की लालसा कैसे पैदा होगी, है ना? यस सर। पनीर की सब्जी एक बार खा ली तो फिर क्या मन करता है, बार बार खाए। ऐसे थार एक बार देख ली तो क्या मन करेगा, यार कब मेरे पास आएगी, कब मेरे पास आएगी। और उसके पास आने के चक्कर में हम क्या करेंगे, मेहनत, डबल मेहनत, ट्रिपल मेहनत। और जिसका सपना आज आप लेकर के आए हो, एक ना एक दिन आपके पास आएगी। गाड़ी देना थोड़ा चाहता था मैंने, इसको फील दिलाया, मैं घूम के तो आ, देख के तो आ। अब जब इसने देखा कि यार बड़ी गाड़ी में मज़ा अलग है, मेहनत की भाई में, आज देखो बड़ी गाड़ी आ गई। अब 2 साल के बाद इसको ओडी की फील दे रहा हूँ, फिर ओडी ले रहा हूँ, ऐसी जिंदगी में होगा। समझ लो इसी को यार, कम से कम विचित्र भाई आज ये तो सोचो, आज आपका साथ ऐसे लोगों के साथ हो गया है जो आपको गाड़ी पे लाना चाहते हैं, बर्बाद करना नहीं चाहते यार। वरना मार्केट में जाओ साला, कोई आदमी किसी को ऊपर उठना नहीं देखना चाहता, कोई किसी की बेल बढ़ाना नहीं चाहता, सब बढ़ती बेल को काटना चाहते हैं, सब ऊपर उठने वाले को नीचे गिराना चाहते हैं, सब हर इंसान को दबाना चाहते हैं। और यार दिन से धन्यवाद करो कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो, नेटवर्क मार्केटिंग में अपलाइन डाउनलाइन को अपने से भी ऊपर उठाना चाहता है, अपने से भी आगे बढ़ाना चाहता है। अब अनिल फुर्जी मेरे डाउन में है तो मैं भगवान से क्या दुआ करूं कि प्रभु जो गाड़ी मेरे पास ना हो उसके पास हो, जो अचीवमेंट मेरे पास ना हो उसके पास हो, तो ये मेरा जो फौजी है दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। क्यों? क्योंकि 2 करोड़ कमाएगा मैं, 4 कमाऊंगा, 4 कमाएगा मैं, 8 कमाऊंगा, तो मैं इसकी खुशी में खुश रहूंगा यार, मैं दुखी नहीं रहूंगा। तो आप ऐसे बिजनेस में हो जहाँ आपके लिए लोग तमन्ना करेंगे, दुआ करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, आपको हौसला बढ़ाएंगे, अप एंड डाउन करेंगे। चीजें समझ में आ रही है? कर लोगे इस तरीके से। अब थोड़ा सा हम अपना विजन क्लियर करते हैं कि ये काम हमें क्यों करना चाहिए, ठीक है। मैंने ट्रेनिंग में बताया था, मैं दोबारा फिर बताता हूँ।